स्थानीय ग्राम बरोड़ के खेड़ा मोहल्ला में बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा गौ माता को भुगतना पड़ा। इस ग्राम में बिजली कर्मचारियों की मनमानी चरम पर है। वहीं पूरे ग्राम में पुरानी सर्विस होने के कारण कई जगह विद्युत तार गल गए हैं या छत विछत हो गए हैं, जिससे विद्युत तार खुले पड़े हुए हैं। इस संबंध में कई बार ग्रामीणों द्वारा विभागीय अधिकारियों को भी अवगत कराया, परंतु कुंभकर्ण की नींद सोए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी एवं अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे। आज खेड़ा मोहल्ला स्थित बगैर पोल की विद्युत सर्विस जो टेलीफोन के खंभे पर टंगी हुई थी, उसके तार गलने के कारण एक गाय को करंट लगने से मृत्यु हो गई। उक्त मार्ग पर आवागमन एवं विद्यालयीन बच्चों का आना जाना ज्यादा ही रहता है। उधर करंट की खबर सुनकर विभाग के अधिकारियों ने आनन फानन में ग्राम की बिजली बंद करवाई एवं अपनी गलती पर पर्दा डालते नजर आए। बरूर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। घटी आपके मोहल्ले में यह करंट से गाय को करंट लग गया। ये एमपीवी की लापरवाही है कि जो केबल डले हैं ये पूरे झूल रहे हैं। नहीं तो उनको सही किया है, यहाँ ग्यारहवीं पे भी बांध दिए हैं। ये पोल से टेलीफोन खंभा है लोहे का, और लोहे के खंभे से बांधा था, लोहे के खंभे पे तार लगा था, तार से बांध दिया है। जब न केबल से बांधा उसको, और उसके कारण तीन चार लोगों को भी करंटे लगते लगते बचा, थोड़ों को झटके भी आए। उसके बाद गाय आ गई और गाय निकल गई। लाइनमैन उनकी लापरवाही के कारण हो रहा है, पूरे गांव में यही स्थिति बनी है। आपने कहीं आवेदन दिया था क्या? आवेदन तो नहीं दिया, बाकी यहाँ से जब ये डीजे ये निकलते हैं तो इनको क्या दिखते नहीं लाइनमैन उन लोगों को? क्या नाम लिखते हो? ओम प्रकाश कुमरावत, बरूड़। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।